तो हम लोग को अभी लेना पड़ेगा अंकित के लिए केक, और केक मिलेगा यहाँ पे। अरे थैंक यू थैंक यू। इतना जोर से चिल्ला दिया भाई। कितना साल का हुआ अंकित? साल नहीं बताया, नहीं तो लड़की लाइन में लग जाएगी। अभी मेरा फैन चल रहा था तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस, आई होप आप सही बढ़िया हो गए। तो देखो आज हम लोग जा रहे हैं अंकित का बर्थडे सेलिब्रेट करने। उसका बर्थडे तो बीत चुका है बट पार्टी पेंडिंग पड़ा था, तो आज भाई थोड़ा सा लूटने वाले हैं उसको। और अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे 89, वहाँ पे थोड़ा सा केक वगैरह काटेंगे। एंड सबसे लेट में हम ही उसको विश किए थे क्योंकि हमको पता ही नहीं था, हम थोड़ा गुमला में बिजी थे। और देखो अपनी लाइनअप, चार एम्प्टी, चारों अलग अलग कलर। और ये अंकित का, ये तो जान ही रहे हो, ये ओगी भाई, और ये है अनिल भाई की बाइक। और आज हर्ष भैया बहुत दिन के बाद अपने साथ आए हुए हैं। कहाँ हर्ष भैया? हेलो हेलो हेलो। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ये आदमी को तो क्या बोले हम, महान महान आदमी है, महान। हैप्पी बर्थडे फिर से ना। थैंक यू आज तो भाइ ग्लव्स नहीं पहनते हैं क्योंकि आज हम लोग को रस राइडिंग नहीं करना है, आज बस चिल करेंगे क्योंकि रोड भी गीला है। बर्थडे पार्टी। हाँ चलो अंकित आगे बढ़ो, बर्थडे बॉय तुमको आगे भेजने वाले हैं। अरे मत उठाना रही, अभी चक्का उका नहीं उठाना है भाई, बाइक का सर्विसिंग कराएंगे उसके बाद हम चक्का उका उठाएंगे अब, क्योंकि मेरा बाइक में अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। और मेरा जो नेक्स्ट सर्विसिंग है ना वो काफ़ी डिले हो चुका है, किलोमीटर भी मेरा बढ़ चुका है और टाइम भी बढ़ चुका है, बट हम बस रेडिएटर फैन आने का वेट कर रहे हैं। वो एक बार आ जाएगा ना तो हम जाके एक ही साथ सारा काम करा लेंगे, सर्विसिंग भी एंड अपना रेडिएटर फैन भी। चलो एंड काफ़ी समय के बाद हम ग्रुप में राइड कर रहे हैं, वो भी अपना स्क्वाड के साथ। अपने साथ बस एलविस नहीं है, उसका कमी हमेशा खलती है, वो काफ़ी समय से हम लोग के साथ वैसा राइड जो नहीं कर पाया है, बट हम इस बार मोहन आड़ गए थे तो कुछ तो हम उसके साथ राइड करके आए हैं, तो थोड़ा बहुत उसको भी अच्छा लग रहा होगा आजकल, बट उसको मिस करते हैं भाई। उसका बाइक का भी अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, उसका इंजन वंजन सब मतलब खुला हुआ है, पिस्टन विस्टन वाला कोई सीन है, ख़राब लगता है भाई। अगर मेरी बाइक के साथ वो हुआ ना, और ऐसे हम देख लिए ना पूरा इंजन को इधर उधर खुला हुआ फेकाल, समझ रहे हो, बता ही नहीं सकते कैसा फील होगा, क्योंकि भाई बाइक से ना बहुत प्यार है, एज अ बाइक लवर ही समझ पाएगा। और हम जब देखते हैं ना कि लोग अपना बाइक को मतलब वीडियोस के लिए तोड़ते हैं फोड़ते हैं गिराते हैं एक्सीडेंट करते हैं, भाई वो चीज़ सही नहीं लगता हमको, मेरा से नहीं होगा भाई, हम अपना बाइक को नहीं गिरा पाएंगे। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी इधर, बट अभी तो मौसम ठीक है। वाह तुम लोग लग रहे हो भाई, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विली मारिए बोलता है, बच्चा लोग का डिमांड पूरा करना ना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, कि वो लोग ना जहाँ मर्जी वहाँ विली मारने बोलते हैं, रोड भी होना चाहिए ना विली मारने के लिए। क्रेजी भाई क्रेजी, आजकल हर बच्चा को विली पसंद है। ओगी कभी पीछे रहने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ओगी मतलब पहले स्कूटी चलाता था तो इसको बाइक चलाने का नॉलेज नहीं है भाई, ये बंदा ड्रैगरेस करता था, तजुर्बा है तजुर्बा, बहुत बार एक्सीडेंट करा है ओगी। इसके चेहरे पे बहुत सारे दाग मिलेंगे आपको, और वो सारे दाग इसको एक्सीडेंट की वजह से ही मिले हैं। तो हम लोग को अभी लेना पड़ेगा अंकित के लिए केक, और केक मिलेगा यहाँ पे। अरे थैंक यू थैंक यू। इतना जोर से चिल्ला दिया भाई। देखते हैं कौन सा वाला केक पसंद आता है। आ जाओ अंकित, देखो देखो कौन सा केक चाहिए तुमको। तो थोड़ी अंकिता टाइप का देखो यार। हाँ कोई अंकिता, हाँ हाँ अंकिता टाइप का, हैप्पी बर्थडे अंकिता लिखवाएंगे उसमें, ठीक है। हाँ हम लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, सब्सक्राइबर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम अंकित है। वही तो अंकिता मिंज मस्त नाम है, हमको वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो ब्लैक वाला दे दीजिए। हाँ ब्लैक वाला, और उसमें अंकिता लिख दीजिए। अरे अंकित अंकित मजाक कर रहे थे, अंकित लिखना, अंकित अंकित अंकित, अंकिता नहीं।
अरे नहीं यार अंकिता लिखा नहीं 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 थोड़ा वियर्ड हो जाएगा समझ रहे हो भाई। एमटी देख रहे हो ना हम लोग का लाइनअप ढांसू लगती है। और ये भाई साहब अरे इसको काहे खिला रहे हो यार बहुत मजा। देखो भाई इनका शक्ल बिल्कुल अरिजीत सिंह की तरह है देख लो। हाँ ठीक है ठीक 50 जीपे कर दे रहे ना अंबानी मेरे यहाँ पे फिर से रुकना पड़ेगा कुछ कुछ सामान रह गया है उसको भी लेना पड़ेगा। आराम जा रहे हैं भाई काफ़ी समय के बाद 89 क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे उसके बाद से यहाँ का सिचुएशन काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पे सुनने में आया है कि मार वगैरह होता है जो भी नज़र में आता है उसको मामू लोग ठेल देते हैं शायद। और ये रहा स्टंट पॉइंट और उधर देख रहे हो ना ओके भाई अपना फुल रोल हम तो नहीं मारेंगे भाई आप मार सकते इधर। अबे साले गजब तू भी आ जाती आना आना टॉप में आना देखो गाइस हम लोग कहाँ आ चुके हैं। माइलेज का बाप अरे भाई वहाँ पे मत रखना जल जाएगा वहाँ पे मत रखना पूरा इंजन नहीं तो फिर चल जाएगा तेरा आग लग जाता है कपड़े उपड़े मत रखना इंजन के अंदर। लो अंकित चलो कुछ लाए नहीं कितना साल का हुआ अंकित साल नहीं बताया नहीं तो लड़की लाइन में लग जाएगी। और कट कर देंगे बस हम लोग जानना चाह रहे हैं। हाँ 22 साल नहीं 23 24 होने वाला है 24 होने वाला है एक साल छोटा 6 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अंकिता तो अंकित हो चुका है 24 साल का और 24 साल का लौंडा। अरे उस दिन का इंसिडेंट बताइए टेन के सेलिब्रेशन नहीं अभी बचा हुआ है मिनी सेलिब्रेशन अभी का क्या काली क्रीम का क्या हुआ अब क्रीम का केक में स्कैम हुआ है केक में खाली क्रीम वाह भाई गजब स्कैम भारी स्कैम बस क्रीम था बहुत अजीब लग रहा था सरक जाते पता है भाई आराम से तो हम तो केक खा चुके हैं एकदम पूरा क्रीम था अंदर में स्कैम हो गया भाई 2024 यस अब हम लोग की बारी है नहीं मत लगाई कहां भरेंगे फिर हम क्रीम नहीं खिला रहे हैं ठीक है कोई गंदा नहीं करेगा ठीक है वो सब नहीं बकलोले नहीं भाई धो नहीं पाएंगे अबे हां उसका हेलमेट भी कैसा कर दिया था पिछला बार हम लोग किसका एसएमके वाला हटा दे वीडियो रिकॉर्ड हो यार हैप्पी बर्थडे टू यू देख बोले थे ना है ना क्रीम बस क्रीम है क्रीम है ना बहुत अजीब लग रहा है भाई स्कैम हो गया अपने साथ। अंकित पहले केक काट दिया था अरे हम ही लोग के साथ काट रहा है पहली बार अरे भाई अगर पता होता तो कुछ स्पेशल बनाते ना तब हम लोग को पता नहीं था सही में हमको लगा था घर वालों से काट लिया होगा साथ में रूममेट है ना तेरा अगर बताया होता तो हम लोग कुछ स्पेशल करते फिर तो कोई बात नहीं भाई यही मेरे लिए स्पेशल है कैमरामैन फोकस कर रहे हैं अरे मेरा ही गाड़ी मिला है भाई तुम लोग को अरे यार मत करो भाई दो बोतल पानी ऐसा मत करो मेरी जान ढंग का काम करो जो प्लेट है उसको बिक देना इसका एग्जॉस्ट महा बेकार जो भी है एरो का एरो है फुल सिस्टम एरो फुल सिस्टम हो गया ये
और हम लोग आ चुके हैं नामकुम ओवर ब्रिज। अरे 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 टेकवा दे रहा है भाई, छोटा छोटा बम्पर है ना। देखो मेरा मीटर में हाई टेम्परेचर हमारी सीन, हमको रुकना पड़ेगा कहीं पे, थोड़ा सा इंजन ठंडा करना ही पड़ेगा। ट्रैफिक में ज़्यादा देरी चलने से बस यही सीन होता है मेरे साथ आजकल। इसको जब तक ठीक नहीं करा लेते ना तब तक चैन से हम चल ही नहीं पाएंगे भाई। बहुत तकलीफ़ होती है जब ये हाई टेम्परेचर दिखाता है ना, डर लगता है यार कहीं बाइक का इंजन ही सीज ना हो जाए। कूलेंट हाई हो गया ना? हाँ नहीं चल रहा है ना। रुको 5 मिनट और क्या। तो थोड़ा सा इंजन को भी ठंडा करेंगे और रुके हैं यहाँ पे। देखो ये छेक रहा है, अरे दिखा ना बे, देखो हाई हो गया मेरा इंजन। मत बंद कर, मत बंद कर, पता नहीं चलेगा। हो गया ठंडा, देखो बहुत हीट कर रहा है, मेरा पैर पूरा सेक रहा है इधर। अभी मेरा फैन चल रहा होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, हमको रुकना नहीं पड़ता, हम चलते चलते मेरा इंजन ठंडा हो जाता। चलो ठंडा तो हो गया अभी, बट अभी ट्रैफिक झेलेंगे ना तो फिर से वो चीज़ दिखाने वाला है। यामा वाले कब फ़ोन करेंगे पता नहीं, स्टॉक में अभी फ़ैन अवेलेबल है नहीं, इसी वजह से इतना लेट हो रहा है, नहीं तो हम कब का ये चीज़ें करा लेते। रेडिएटर फ़ैन जो रहता है ना उसका काम ही है इंजन को ठंडा रखना, जब भी वो हीट होती है ऑटोमेटिकली वो फ़ैन चलने लगता है, जब पूरी तरह इंजन ठंडा करेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अरे 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 भारी सीन। देखो जिम वाले भैया अभी देखना स्कूटी को अकेले उठाने वाले हैं। देखो ओ भाई देख रहे हो जिम बॉय। नहीं वो कलर है, ग्रे कलर था। कहाँ से करवाए थे? रांची सोनी आर्ट। सोनी आर्ट से रांची में ही। कहाँ पर ये? काराटोली। अच्छा करता है। अच्छा करता है। ब्लॉगिंग करते हो क्या? क्या नाम है चैनल का? एमटी बॉय।